हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? बढ़िया ना? आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरी लंच रूटीन। आज मैं जो कुछ भी बनाने जा रही हूँ सब मेरे फैमिली मेंबर्स को बहुत पसंद है। उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आएगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं लंच में बनाऊंगी तुरई की सब्जी। मैं ली हूँ 1/2 kg तुरई और 4 आलू। सबको मैं छोटे छोटे करके काटी हूँ। और मैं ली हूँ करेला और आलू। आज मैं करेला और आलू का भरता बनाऊंगी। करेला और आलू का भरता हमारे फैमिली मेंबर्स को बहुत पसंद है। मैं ली हूँ करेला 1 पाव और 4 आलू। सबको मैं एक प्रेशर कुकर में उबाल दूंगी। देखिए, आलू को हाफ करते हैं। आलू और करेला एक साथ पक जाएंगे। पहले मैं आलू और करेला को उबालूंगी, क्योंकि आलू करेला ठंडा होने के बाद हम इसका भरता बनाएंगे। इसको मैं एक साइड गैस के एक साइड में उबाल दूंगी और दूसरे साइड में मैं बनाऊंगी तुरई की सब्जी। पहले ही मैं आलू करेला भरता रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप नहीं देखे होंगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं यहाँ पर तुरई की सब्जी बना रही हूँ। पहले तेल डाल दूंगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा 5 फुटन ऐड करूंगी। यहाँ पर मैं राइस बना रही हूँ। तुरई की सब्जी बनाने के लिए पहले तेल डाली, फिर उसके बाद हम 5 फुटन डालेंगे, थोड़ा सा प्याज डालेंगे। प्याज थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें तुरई डालेंगे। तुरई और आलू सब एक साथ डाल देंगे और उसमें नमक और हल्दी मिला देंगे। तुरई की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। बहुत सारे लोग बहुत प्रकार से बनाते हैं। मैं इसको मस्टर्ड मसाले में बनाऊंगी, क्योंकि मस्टर्ड मसाले में तुरई की सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है। सबको अच्छे से मिला देंगे और सबको अच्छे से मिलाकर हम इसको ढककर 5 मिनट छोड़ देंगे, ताकि तुरई और आलू थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तुरई और आलू सॉफ्ट हो गया है, अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसको ढककर 5 मिनट छोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए, करेला और आलू पक गया है। आलू और करेला को ठंडा कर देंगे और उसके बाद हम मैश करेंगे। देखिए, ठंडा हो गया है, फिर भी थोड़ा सा गर्म है। आलू और करेला को मैश करके हम इसमें नमक मिलाएंगे।
तरह मैश कर देंगे। तुरई की सब्जी को चेक करेंगे, तुरई की सब्जी बन गया है। परफेक्ट बना है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। दाल बना कर रखी हूँ, अब भरता बनाएंगे। भरता के लिए मैं यहाँ पर तेल डाल रही हूँ, 2 बड़े चम्मच तेल, आधे छोटे चम्मच 5 फुटन और 2 सूखी मिर्च डालकर हम प्याज और लहसुन पकाएंगे। प्याज और लहसुन को 2 मिनट भूनेंगे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक, और उसमें उसके बाद हम टमाटर डालेंगे। प्याज और लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम टमाटर डालेंगे। टमाटर थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद हम भरता बनाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गया है, अब मैश किया हुआ करेला और आलू डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करके हम इसमें आधे छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। सबको अच्छे से मिक्स करके हम इसको 2 मिनट पकने देंगे। करेला और आलू का भरता बन गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता स्प्रेड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये बन गया हमारा करेला और आलू का भरता। अब हम सलाद तैयार करेंगे। सलाद के लिए मैं ली हूँ टमाटर, खीरा, गाजर, आप चाहे तो प्याज भी ले सकते हैं। मेरी लंच थाली तैयार हो गया है। मैं बनाई हूँ भात, दाल और सब्जी, भरता, सलाद और पापड़। बस आज मैं इतनी ही बनाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी लंच थाली पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन दबाएं और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।